अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको मास्क बनाना बता रही हूँ। मास्क जो है ये बहुत ही अच्छा मास्क है और बेहतरीन गर्मियों का मास्क है, और इतना अच्छा मास्क है कि आपकी इससे स्किन जो है, अगर सनबर्न हुई है तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आपकी स्किन पे ब्राइटनेस जो है, आप शाइनिंग है गर्मी की वजह से कम हो गई है, तो वो बेहतरीन किस्म का आपका आपकी स्किन जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और आपकी स्किन पे अगर पिंपल वगैरह हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन बेहतरीन समझिए मास्क है घर का। और ये बहुत ही अच्छा मास्क है ब्राइटनेस के लिए, ख़ास बहुत अच्छा है। ब्राइटनेस जैसे बहुत आएगी स्किन पे, जो स्किन है आपकी जैसे स्किन पे बहुत ज़्यादा झुलस जाती है उससे, ये धूप से बहुत ज़्यादा झुलस जाती है स्किन, तो उसके लिए बेहतरीन किस्म की चीज़ है मास्क है। आप चाहें तो अपने बाजुओं पे, अपनी बॉडी पे भी लगा सकते हैं इसे, अगर ज़्यादा मकदार में करेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं ले, ये मास्क ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये बहुत ही जल्द इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत ही आप रिलैक्सेशन महसूस करेंगे आप ये लगाने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडक है इसमें और गर्मियों के लिए ख़ास मास्क है। तो मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने लेना है शकरकंदी। शकरकंदी समझ गए होंगे शकरकंदी क्या होती है। शकरकंदी लेना है आपने बॉईल की भी हो, और ये देखिए इस तरह बॉईल की करके इसका एक हमने पीस लिया है छोटा सा, जिस तरह हम खीरे वगैरह का पीस लेते हैं, इसी तरह जो है ये हमने लिया है शकरकंदी। शकरकंदी के बाद हमने इसको करना है मैश, और इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। ये आपने कर लिया मैश। मैश करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने लेना है सबसे जो मेन चीज़ है, जो ये जो शकरकंदी जो है वो आपकी स्किन को टाइट करेगी और वाइट करेगी, आपके पोर्स तक अंदर तक स्किन में फेस के जाकर वो जो है अंदर तक जो है आपका डर्ट है वो साफ़ कर देगी। और सिर्फ एक कतला एक है ना पीस ले लें, और उसके बाद इससे भी छोटा भी ले सकते हैं। मसला ये है कि हम लोग को अगर शकरकंदी इस मौसम में नहीं मिले तो इसकी जगह पे आप स्ट्रॉबेरी भी डाल सकते हैं, तो स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छी होती है गर्मियों के लिए। अभी मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर लेना है आपने एक चम्मच। एक चम्मच हमने इसमें मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद ये देखें जी, ये कॉर्नफ्लोर मैंने एक चम्मच डाल दिया है छोटा, और ये देखें इसको मैंने अब हमने करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हमने डालना है एक चम्मच योगर्ट का। मेरे पास योगर्ट है, अगर आपके पास इसके अगर आपके पास योगर्ट का पानी है तो वो भी बहुत अच्छा है स्किन के लिए। अगर आपके पास पानी नहीं है योगर्ट का, क्योंकि बाज़ लोगों के पास गर्मियां हैं, गर्मियों में जो गाढ़ा योगर्ट नहीं मिलता, तो इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि अगर आपको पानी के साथ योगर्ट मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा है। ये देखें एक चम्मच मैंने योगर्ट डाला है, अगर पानी है तो पानी भी डालें तो मिक्स हो जाएगा, सादा पानी नहीं योगर्ट का पानी, बहुत अच्छा आपकी स्किन को ग्लो करेगा वो भी, और बहुत अच्छी चीज़ है ये योगर्ट जो है। अब हमने क्या करना है, इनकी करना है मिक्सिंग, और मिक्सिंग के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगला स्टेप हमने क्या। इसके बाद ये देखिए इस तरह हो जाएगा, ये इस गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा, तो हमने थोड़ा सा इसको करना है पतला, क्योंकि मास्क बनाना है ये उपटन की तरह बन गया है, लेकिन हमने इसको पतला करना है। अगर आपके पास दूध है तो दूध भी डाल सकते हैं, और मेरे पास जो है ये है मेरे पास रोज़ वाटर, तो रोज़ वाटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जिनकी स्किन के ऊपर सनबर्न हो गया है, तो उसके लिए बेहतरीन है ये। तो मैं भी इसको मिक्स करती हूँ। ये जो डाला है ये भी इतना ही डाल दें कि ये पतला हो जाए, यानी एक से डेढ़ चम्मच डाल सकते हैं आप। इसको हमने मास्क की सूरत में लेके आना है, हमने गाढ़ा गाढ़ा नहीं करना। तो मैं आपको ये मिक्स करके अभी मैं आप ये देखिए ये मैंने जो है उसके साथ रेडी कर दिया है। किसके साथ? अरके गुलाब के साथ। तो बिल्कुल रेडी हो गया है ये। अगर आपके पास शकरकंदी नहीं है तो उसकी जगह पे आप ले लें आलू। आलू भी शकरकंदी का ही जैसा काम करता है, वो भी ब्राइटनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस तरह शकरकंदी रंगोरा करती है और स्किन को जो है हमारे टाइट करती है, तो इसी तरह जो है वो आलू पोटैटो जो होता है वो आप ले लें दरमियाने साइज़ का, बल्कि छोटा ही ले लें तो बेहतर है। तो आधा आलू आप खा लें और आधा आलू आप जो है इसका ये मास्क रेडी कर लें। आप यकीन जानिए ये मास्क बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए, बहुत ही आपको फ़ायदे देगा, सबसे ज़्यादा ब्राइटनेस के लिए बहुत अच्छा है,
जिसकी स्किन जो है झुलस गई है उसकी स्किन को अंदर तक ठंडक पहुंचाएगा। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में अपनी बहन को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई, मास्क को हमने किस तरह अप्लाई करना है। तो हमने ये लगाना है अपनी फेस के ऊपर, लगाना है ये मास्क को, और ये जो है आप 15 से 20 मिनट तक के लिए हमने स्किन पे छोड़ देना है। जब ये स्किन पे टाइटनेस आना शुरू हो जाए, बेशक फुल टाइटनेस ना आए, अगर टाइटनेस आना शुरू हो जाए तो आप सादा पानी से आप फेस वॉश कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी स्किन वाकई बहुत अच्छी होगी। तो मैंने एप्लीकेशन ही बताई कि आपने किस तरह ऊपर से इसको अप्लाई करना है फेस के ऊपर। आप चाहें तो अपनी बॉडी पे भी कर सकते हैं, जैसे बाजू हो जाते हैं और हाथ होते हैं, हमारे सनबर्न की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए ये बेहतरीन किस्म का मास्क है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।